भटूरा खाया और इतना घटिया आज तक इससे घटिया छोला भटूरा हमने नहीं खाया। बहुत खराब था। इससे घटिया खाया है? नहीं खाया भाई। अंग्रेज को जैसे विवेक बैठा पीछे ऐसे बैठा रख के ये हंस रहा था कि अंग्रेज को चूतिया बना दिया। मैंने बोला साले तू इंडियन हो क्या उखाड़ लिया लीटर। इसकी हमेशा प्रॉब्लम आती है कि खाना ढूंढना कि अच्छा खाना कहीं मिल जाए। कैसा है? एकदम मस्त है क्या? अपनी सीट में मस्त जाके सो जाता। हम लोग यहाँ पे हम लोग ब्रश वगैरह करके निकलते चांदनी चौक के लिए, क्योंकि यार सुबह से कुछ ना मैंने खाया था, ना विवेक ने खाया था, ना कुलदीप ने खाया था, तो हम लोग को लगता है कि सबसे पहले कुछ खाया जाए। और ये जो खाना है हमने सर्च किया नेट पे कहाँ मिलेगा, तो हमें छोला भटूरा के बारे में चांदनी चौक में पता चला। तभी हम लोग यहाँ जाएंगे चांदनी चौक और वो पूरी जर्नी आप लोग देख सकते हो। एंड ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, इसका एक पार्ट पहले आ चुका है। अगर आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसको देख लेना। और ये जो तीन चार वीडियो की सीरीज है जो आप लोग काफी मजा आने वाला देख के, तो चलो आप लोग वीडियो एंजॉय करो। मैं मिलता हूँ आप लोगों को लास्ट में। लोग अभी ब्रश वगैरह डन हो चुका है, अभी कुछ खाने का देखते हैं, क्योंकि अब भूख लग रही मेरे को भी, अभी इन दोनों को लग रही थी, अब मेरे को भी लग रही है कि जब तक ब्रश नहीं करता हूं, तो कुछ खाता नहीं तुम्हारा भाई। बाकी कुलदीप तो यार कभी नहीं करता ये कभी कभी कर लेता है। तो चलो अभी यहाँ से लेंगे डायरेक्ट बस और निकलेंगे लाल किला, वहाँ पे चलकर शायद खाएंगे छोले भटूरे। अभी जाके खाएंगे छोले भटूरे और शाम को रिटर्न आते टाइम छोले भटूरे खाएंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं चांदनी चौक, यही रास्ता है आप लोग देख सकते हो। एंड चलते हैं यहाँ से छोले भटूरे ढूंढेंगे, खाएंगे, मजे करेंगे। ये क्या यार, हु CMS बढ़िया लग रहा है भाई, बढ़िया एकदम मस्त है, कोनो दिक्कत नहीं है, मस्त मजे से घूमते हैं। और सबसे पहले कुछ खाने का देखा जाए यार, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी हुई है। ये पीछे हमारे लाल किला देख सकते हैं आप लोग, यहाँ चलेंगे बट पहले कुछ खाने के बाद। चित्रो बैटरी कितनी बची हुई है? कैमरे की बैटरी 75% बची है, मतलब अभी अच्छी खासी है, चल जाएगा। पावर बैंक से रहता है ना, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अभी पावर बैंक की बैटरी पूरी ख़त्म हो चुकी, पता नहीं कैसे, ये नहीं मालूम भाई। अभी जस्ट हमने छोला भटूरा खाया और इतना घटिया आज तक इससे घटिया छोला भटूरा हमने नहीं खाया, आज फाइनली खा लिया हूँ भाई। छोला कहाँ गया? इधर आ, छोला भटूरा कैसे था बता। अरे बहुत खराब था। इससे घटिया खाया है? नहीं खाया भाई। कंपटीशन लगा हुआ है दिल्ली में आके, कितना घटिया छोला भटूरा खा सकते हैं कि नहीं। यही लगा रखा तूने भी ना भाई साहब, इससे घटिया नहीं खाया। क्या लगा था कि इससे अच्छे तो दारू पी लेते? नहीं नहीं, तो बोल रहा था ना भाई, ये बोल रहा था, लग रहा भाई इससे अच्छा कुछ और खा लेते, बट ये छोला भटूरा सही नहीं था, मज़ा नहीं आया। मैंने बड़ी उम्मीद से ना YouTube पे सर्च किया कि भाई बेस्ट छोला भटूरा इन चांदनी चौक, और मेरे पे क्या आया, उस दुकान का नाम, और मैं वहाँ जाके खा के आया भाई। दिखाया भी क्यों नहीं यार, क्योंकि ऐसे ही हाथ में पकड़ने के लिए था छोला भटूरा। उसने मुझे दिया जितना छोले दिए ना, उसमें 10 दिन की सब्जी बन जाती है अपने घर के लिए, तो आप लोग समझ लो कितना घटिया होगा, किस लेवल का घटिया होगा। तेल ही तेल भाई, कोई मज़ा नहीं, कोई टेस्ट नहीं, सब खराब, सब खराब, पैसा बर्बाद। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, देखते हैं इन लोगों को खिलाएंगे विराट कोहली वाला, जहाँ से विराट कोहली भाई अपना खा के आता है ना राम के छोले भटूरे। अगर हो सके तो विराट कोहली वाले को खिलाएंगे ले चल के, अगर टाइम रहा, नहीं रहा तो फिर कभी और। बाकी जहाँ मैं खा के आया ना विराट कोहली वाला, वो एकदम परफेक्ट था भाई। अभी चलते हैं, ये गुरुद्वारा है बहुत ही प्यारा हमारे सामने। हम लोग आ चुके मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन, एंड अब इसके बाद यहाँ से हमें कहाँ जाना भाई? अक्षरधाम। भाई अक्षरधाम मंदिर का बहुत नाम सुना था और देखा भी था, तो चलो अभी वहाँ चलने वाले हैं। बाकी ये है मंडी हाउस, इसने उल्टी साइड लेके आ गया यार। ये आदमी ना सुबह से ऐसा गलत गलत काम करा रहा, क्या बोलूँ, पता नहीं, बोलेगा मुंबई ले जाने को, लेके जाएगा जम्मू, क्या करता है। अभी दूसरी साइड चलते हैं यार, भाई जान निकल गई, चल चल के पाँव एकदम ख़त्म हो चुके हैं, और ये जो बैग है ना वैसे ही बहुत भारी है, थोड़ी दिक्कत तो हो रही है यार। हम लोग आ चुके हैं अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, अब ये बोल रहा है कि अक्षरधाम मंदिर घूमने चले, अब मेरे पास शक्ति नहीं चलने की। तेरे पास चलने की शक्ति है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। ख़त्म, हम दोनों ख़त्म हो चुके हैं, ये इसको घूमना है। कहाँ घूमना है भाई? अक्षरधाम CP।
सीपी घूमना है। अबे साले कुत्ते जैसी शकल लेके सीपी जाएगा कौन देखेगा। मैं इसीलिए नहीं जा रहा हूँ, अपनी शकल छुपा के रखो। मंदिर में भाई अभी हम लोग चांदनी चौक में घूम रहे थे तो ऐसे भैया जैसे ही चला रहे हैं ऐसे एक भैया थे वो एक अंग्रेज को जैसे विवेक बैठा पीछे ऐसे बैठा के रखे थे तो ये हंस रहा था कि अंग्रेज को चूतिया बना दिया। मैंने बोला साले तू इंडियन हो क्या उखाड़ लिया, रेंज रोवर में बैठने वाला इंसान कैसे बैठा दिया उसको, इसको भी ऐसे ही बैठा के रखे। हेलो भाई। हेलो सर। कौन है भाई? हिंदी बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, ये हिंदी बोल रहा है, विनोद साला हिंदी बोल रहा है, गाली दे रहा भाई। अक्षरधाम मंदिर है भैया सामने, यही है। ओ भाई बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा मंदिर है यार भैया, स्वामी नारायण अक्षरधाम। क्या अलाउड नहीं है, मतलब यार यहाँ बहुत दिक्कत है, अभी फोन कैमरा सब कुछ जमा करा लेंगे। ये जो मंदिर है सिर्फ अपनी आंखों से देख सकता हूँ, बाकी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हेलो हेलो हेलो, ये बस जा रही है बच्चों की। हेलो बच्चों, ये देखो यार मंदिर बहुत खूबसूरत बना के रखा है, मंदिर परिसर बहुत बड़ा बना के रखा है। इस मंदिर के बारे में आपको जानकारी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं है ले जाना, अभी हमारा भी सब जब्त कर लेंगे, बाकी जहाँ तक चल रहा है चल रहा है। हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके हैं और सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई ना मुझे अपना फ़ोन अपने हाथों में लेके, क्योंकि आज हमारी बहन का फ़ोन आने वाला रीवा में और उसका जो कॉल है मेरे फ़ोन पे आने वाली थी, अगर फ़ोन मिस होता ना तो कॉल नहीं उठा पाता और पैसा चला जाता। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल जा रहे हैं सीपी, सीपी में थोड़ा मौज मस्ती करेंगे, घूमेंगे, कुलदीप भाई चाय पिलाएगा, पार्टी वगैरह देगा क्योंकि कल उसका बर्थडे है और कल पूरे दिन की ट्रीट जो है कुलदीप भाई की तरफ से रहने वाली है। तभी मस्त घूम रहे, बाकी इधर का देखो आप क्या मस्त व्यू है यार, लोग मालूम कल कुलदीप अपने साइड से पूरा ट्रीट देने वाला है। एंड अभी जस्ट कंसोर्ट का फ़ोन आया तो उससे थोड़ी बातें वगैरह कर लेता हूँ फिर मिलते हैं। ट्रैवलिंग करते टाइम में एक चीज़ की हमेशा प्रॉब्लम आती है कि खाना ढूंढना, कि अच्छा खाना कहीं मिल जाए। अभी हम लोग ओल्ड दिल्ली स्टेशन पे आए हुए हैं और अच्छा खाना ढूंढ रहे थे बट कहीं मिल नहीं रहा। ये भाई लोग 30-30 रुपए की थाली लिए और पहले बोल रहे मस्त है एकदम परफेक्ट, लेकिन मैं जैसे ही मैं खाया मेरे को मज़ा नहीं आया और मैंने बोला एकदम मस्त है, मैंने बोला खाओ तुम दोनों खाओ, तुमने लिया है तो क्यों भाई कैसा है, एकदम मस्त है क्या? अभी देखो ये लोग खा रहे हैं, मैं देखता हूँ कहीं कुछ अच्छा मिला ना तो मैं भी खाऊंगा, नहीं तो तुम्हारा भाई भूखा जाएगा हरिद्वार। और यार ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं अच्छा खाना फाइंड करो। और वैसे फूड ब्लॉगर को भरोसा नहीं कर सकते यार, क्यों? दोपहर को जो अपन ने खाई थी छोले भटूरे इतना घटिया था, उसको कोई फूड ब्लॉगर था बहुत बेस्ट बताया था, एकदम बोला अच्छा है चांदनी चौक के सबसे अच्छे छोले भटूरे, और वो सबसे घटिया थे। हमारे पास एक वो है सांबर पुणे में कोथरूड में, बहुत टेस्ट लगा था 120 में, बहुत पुणे में। हाँ चलो भाई अब देखो पुणे का भाई बता रहा था, पुणे चलेंगे पुणे में खाएंगे, बाकी अभी चलते हैं कुछ अच्छा ढूंढते हैं और फिर खाता हूँ यार, क्योंकि सुबह से ना अच्छा कुछ खाया नहीं, वही सुबह खाया छोले भटूरे वो घटिया और अभी ये खाना घटिया, तो चलो अच्छा एकदम परफेक्ट टाइम पे आ चुके हैं, ट्रेन बाजू में लगी हुई है, अभी चलते हैं अपनी सीट में, मस्त जाके सो जाता हूँ और कल तक उठना नहीं है क्योंकि अभी नींद बहुत भयंकर लगी हुई है और पूरा हाथ पाँव दर्द कर रहा है। कट से पर उधर है, चलो फटाफट चलते हैं अपनी सीट वगैरह कौन सी है उसमें बैठते हैं, और अगर अभी रात में ब्लॉगिंग वगैरह चालू नहीं करता हूँ तो डायरेक्ट कल सुबह मिलेंगे आप लोग को और न्यू ब्लॉग के साथ। जैसे ही हम लोग ट्रेन के अंदर एंटर करते हैं और ट्रेन का भाई साहब माहौल इतना डेंजर रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत पब्लिक रहती है, मैं क्या सोचता हूँ यार कि ट्रेन खाली रहेगी मस्त आराम से मज़े करते हुए जाएंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे हम लोग ट्रेन के अंदर पहुँचते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह रहती है और नाइट भी हो चुकी है और हम लोग भाई पूरा दिन से घूम रहे थे, काफ़ी यार थक गए थे, तो मैं सोचा यार कि अभी फ़ोन वगैरह सब कुछ कैमरा वगैरह साइड रखता हूँ सोता हूँ। बट क्या हुआ यार कि दो चार लोगों का ग्रुप आ गया, मतलब 5-6 लोग थे बंदे,
सभी फ्रेंड थे और वो लोग पूरी नाइट बात किए, तो ना मैं सो पाया ना ब्लॉग कर पाया और ऐसे ही गया। मतलब आधे घंटे सोया हूँ, लास्ट में वो लोग सोए थे मतलब 3-4 बजे समथिंग। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं हरिद्वार। तो ये जो वीडियो है हम लोग का पूरी ट्रेन जर्नी का है, यहीं तक दिल्ली से हम लोग जैसे ट्रेन में बैठते हैं। इसके बाद जो हमारा हरिद्वार का पूरा ट्रिप है वो आप लोग को सेकंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो चलो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं और आई होप भाई आप लोग इंजॉय किए वीडियो को, और अगर वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।